अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम रेसिपी में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए झटपट बन जाने वाली आलू मटर गाजर की सब्जी। इसका रंग, खुशबू और जायका होता है बेहद मज़ेदार। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सब्जियों में मैंने लिया है आधा किलो गाजर, छोटा छोटा काट लिया है, और आधा किलो ही आलू हैं जिनको छोटे क्यूब्स में काट लिया है। मटर एक पाव, टमाटर तीन दरमियाने साइज़ के, एक छोटे साइज़ की प्याज। मसालों में हमें चाहिए जीरा 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक हसबे जायका, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसमें आध प्याली ऑयल को गर्म कर लिया है। अब उसमें शामिल करेंगे प्याज और एक मिनट के लिए इसे सॉटे कर लेंगे। एक मिनट हो गया है, अब हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे, गाजर, आलू। ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए सारी सब्जियां साथ डाल रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो पहले गाजर डाल लीजिएगा, क्योंकि उससे गलने में थोड़ा टाइम लगता है। मटर, टमाटर, सारे पाउडर्ड मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सब चीज़ों को मिक्स करके और अब हम कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर बस एक सीटी आने तक इसे हमें पकाना है। कुकर का प्रेशर जब खुद से रिलीज हो जाए तो अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, आलू, मटर और गाजर तीनों चीज़ें बिल्कुल गल गई हैं अपने ही पानी में। अब जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम ड्राई कर लेंगे और भून लेंगे, और इसमें मैं 1 टीस्पून कलौंजी का भी शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से भून लेंगे। सब्जी बिल्कुल तैयार है, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और दही बड़े का मसाला जो कि हर घर में मौजूद होता है 1 टेबलस्पून, जिसमें शामिल है साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया। इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया है, इससे खुशबू में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, ये झटपट मज़ेदार सी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।